2.9 आपका ये इंटरेस्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर मिलेगा आपको ये 51 पे। द मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपको 0.025 मोल पर लीटर, किसकी दे रखी है, मिथियोनिक एसिड की दे रखी है, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर, मोल सॉरी पर मोल। कैलकुलेट इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ये आपको मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोजन और किसके लिए दे रखी है, HCOH के लिए, आयंस के लिए आपको दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन जिसे बोल सकते हैं हम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.025, और मिथियोनिक एसिड्स की आपको क्या दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एट अ कंसंट्रेशन सी पर, कितनी दे रखी है, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको निकालना है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लिखते हैं किससे, अल्फा से, और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है आपको के, और यहाँ पे आयंस की ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है दोनों की। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, राइट साइड में आप फॉर्मूला देखेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा सी एम और लेमडा नॉट एम। देखिए लेमडा सी एम का मतलब क्या होता है, अल्फा तो बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और लेमडा एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट अ एनी कंसंट्रेशन पे, और लैम्डा नॉट का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हमें अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए आपके पास देखिए एक चीज़ तो है, क्या चीज़ है आपके पास, डेल्टा सी एम की वैल्यू है, सॉरी लैम्डा सी एम की वैल्यू है, हमें फॉर्मूला करना लैम्डा नॉट एम की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। तो हम यहाँ पे जो हमें दे रखा है मेथियोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOH, तो हमने उसको कोलास ला के अकॉर्डिंग उसको आयंस में स्प्लिट कर लिया, और यहाँ पे हमें आयंस दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो आयंस की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी दे रखी है, 349.6 और दे रखी है 54.6, इन दोनों को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मेथियोनिक एसिड की फॉर किसके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे हमने अल्फा का जो फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, ये आ गई आपकी लैम्डा सी की, और लैम्डा नॉट की हमने निकाल ली। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने पे ये आपका पास क्या आ जाएगा, 46.1 जो कि यहाँ से लिखा है मैंने, और ये 404.2 जो कि हमने फाइंड आउट करा है। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करके डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.114। अगर हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसीजन को दिखाना है किसमें, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.4% क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसीजन हो रहा है। तो एक पार्ट तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आगे निकालना है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, के से। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है सी एल्फा स्क्वायर के माइनस अल्फा, तो हमें के फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। के को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की, या इसको मोलिटी भी बोल सकते हैं, और अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करा है बच्चों, सी की वैल्यू लगाई, सी की वैल्यू आपको गिविन दे रखी थी कंसंट्रेशन 0.025, और एल्फा अभी हमने यहाँ पे निकाला विदाउट परसेंट में कितना आया था, 0.114, और अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे नीचे भी लगा दी। अब बस इसकी कैलकुलेशन करना बाकी है, तो कैलकुलेशन मैं समझता हूँ सभी लोग कर ही लेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आप उसको वो भी करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई, के का मतलब था डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई 3.3.67×10⁻⁴ मोल पर लीटर, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए।